इंडियन फेडरेशन ऑफ वर्किंग जर्नलिस्ट का 130वां राष्ट्रीय सम्मेलन और संगोष्ठी बिहार की राजधानी पटना में आयोजित की गई। इस संगोष्ठी में वर्किंग जर्नलिस्ट के राष्ट्रीय अध्यक्ष के विक्रम राव, सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता अश्वनी दुबे के अलावा केंद्रीय मंत्री रामकृपाल उपाध्याय, बिहार के कई राज्य मंत्री और विधायक भी शामिल रहे। इस संगोष्ठी में असम से वरिष्ठ पत्रकार नम्रता बोरा, तमिलनाडु से श्रीमती चंद्रिका, आंध्र प्रदेश से श्रीमती लक्ष्मी के अलावा उत्तर प्रदेश के मथुरा से संतोष चतुर्वेदी, बेलोंग से अमित सिंह, आंध्र प्रदेश से बाबू रेड्डी मूर्ति के अलावा बिहार के प्रबुद्ध जन समाज सेवी भी शामिल रहे। इस संगोष्ठी में भारत के कई प्रदेशों में हो रही पत्रकारों की हत्या और उनके उत्पीड़न को लेकर गंभीर चर्चा हुई। IFWJ यानी इंडियन फेडरेशन ऑफ वर्किंग जर्नलिस्ट की संगोष्ठी में शामिल उत्तर प्रदेश के राष्ट्रीय सचिव संतोष चतुर्वेदी द्वारा यूपी में पत्रकारों के तरह तरह से हो रहे उत्पीड़न और बिना किसी जांच के पत्रकारों पर मुकदमा दर्ज कर उन्हें जेल भेजे जाने जैसे गंभीर मुद्दों पर आवाज उठाई। राष्ट्रीय संगोष्ठी में शामिल होकर मथुरा लौटे वरिष्ठ पत्रकार संतोष चतुर्वेदी द्वारा इस संगोष्ठी के संबंध में जानकारी दी गई। बताएं कि क्या कुछ रहा पटना में राष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन किया गया, बहुत दूर दूर से राज्यों से पत्रकार आए, क्या कुछ मुद्दा छाया रहा? इंडियन फेडरेशन ऑफ वर्किंग जर्नलिस्ट के 130वीं कार्य समिति पर सम्मेलन, पत्रकार सम्मेलन किया गया था और उस पर एक राष्ट्रीय पत्रकार सम्मेलन आयोजित हुआ। पत्रकारों से संबंधित जो पत्रकार कवरेज है, पत्रकारिता क्षेत्र में पत्रकारिता करते समय जो मूल समस्या पत्रकारों के सामने जो आती उससे संबंधित ही सारे मुद्दे रखे गए थे और वर्किंग कमेटी हमारी जो होती है उस वर्किंग कमेटी में पत्रकारों की समस्याओं को लेकर मुद्दा छाया था। उसमें कई ऐसे हैं मुद्दों पर विचार विमर्श हुआ और तय किया गया कि भविष्य में हमें इस पर आगे चल के क्या करना चाहिए और किस तरीके से पत्रकारों के हित में लड़ाई लड़ना। उससे संबंधित तो सभी लोगों ने मतलब प्रस्ताव पारित हुआ कि एक केंद्र से संबंधित उससे जितने भी अधिकारी या सरकार से संबंधित लोग उनसे वार्ता की जाए और एक कानून पत्रकारों की सुरक्षा से संबंधित कानून पारित होना चाहिए जिससे पत्रकारों के कार्य क्षेत्र में और पत्रकारों की सुरक्षा की दृष्टि से पत्रकारों की सुरक्षा हेतु तो ठोस कानून बने जिससे कि पत्रकारिता क्षेत्र और मीडिया जो चौथा स्तंभ कहे जाने वाला जिंदा रहे। अन्यथा हम देख रहे हैं, आप सब देख रहे हैं कि धीरे 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 पत्रकारों का और मीडिया क्षेत्र का गला घोटा जा रहा है, इस तरीके से दोहन किया जा रहा है। पत्रकार कोई खबर करता है, खबर किसी भी प्रकार के इससे संबंधित खबरों से पता पड़ जाता है तो उस सबसे पहले खबर प्रकाशित करने से या खबर भेजने से पहले उसके पता पड़ता है कि मेरे खिलाफ एक मुकदमा है। सहमे और डरे हुए पत्रकारिता आजकल पत्रकार कर रहे हैं जो एक लोकतंत्र पर कोठाराघात है। इन्हीं सभी स्थितियों को लेकर के मुद्दा पूरा बना रहा पत्रकारों को लेकर कई ऐसे मुद्दे हुए जो पत्रकारों की समस्या जो ऐसी उनके साथ घटना घटी थी वो भी रखी गई थी सामने। सब एक प्रदेश बार प्रदेश पदाधिकारियों ने अपना रखा। संगोष्ठी सम्मेलन में कई केंद्रीय मंत्री और बिहार के राज्य के मिनिस्टर, विधायक और अपने वहाँ के संभ्रांत व्यक्ति समाज सेवी ने भी भाग लिया। अपने 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 हित पर पत्रकारों के हित में बात करती और कहा कि अगर पत्रकारों की अगर आज सुरक्षा नहीं की गई तो पूरे देश में एक दिन बड़ी पत्रकारों के सामने समस्या खड़ी हो। सब लोगों की वार्ता होती रही लेकिन बात अहम बात ये भी है कि पत्रकार सबकी आवाज़ उठाने वाला और उसकी आवाज़ कोई नहीं सुनता, ये बड़ी सोचने वाली बात है। हमने अपने मथुरा से संबंधित पत्रकारों के बारे में भी प्रदेश से संबंधित बारे कमेटी में बात रखी थी। पत्रकारों के क्यों बहुत ऐसे मुद्दे थे जिन पर मैंने भी, क्योंकि मैं लोकल जनपद का होने के नाते तो मुझे भी सारी चीज़ संज्ञान में रहती। देखने में आता जब पत्रकार साथी पे, तो एक बात हमने ये भी गौर किया कि पत्रकार साथी जब किसी प्रकार दबाव या कोई कार्रवाई, कानूनी कार्रवाई की जाती
हम लोग बड़ा संगठनों में भी देखने को मिलता है कि फलाने का संगठन का आदमी फलाने का, जबकि सबका कार्य एक ही है, समस्या को उठाना, जनहित में कार्य करना। जो लोग उस चीज से परे हैं और इस लोग न समझते जनहित में कार्य नहीं कर रहे, पत्रकार भूमिका अपनी वहां ये निभाता है जो लोगों को मजबूर करता है जनहित में कार्य। जब पत्रकार पर कोई दिक्कत आती है तो सब अपना लोग पत्रकार ही किरारा करना शुरू कर देते, कोई कहता है कि भैया फलाने संगठन से हमारा, ये सब संगठन से नहीं। मेरा मानना यह है कि अगर पत्रकार संबंधित या पत्रकार है और उस पर कोई किसी प्रकार की दबाव या प्रेशर बना है तो सभी पत्रकार से एकजुट होकर अपनी आवाज उठानी चाहिए। और मैं इससे सहमत भी हूँ और इस पर प्रयासरत भी हूँ, लेकिन अब रखी जाएगी इससे संबंधित हम मीटिंग मथुरा में भी करने वाले हैं, पत्रकार सभी साथी होंगे। ये आवश्यक नहीं है कि वो संगठन किसका है किसका नहीं, सभी लोगों के बीच में विचार विमर्श किया जाएगा। जब प्रशासन और राजनीतिक लोग सब एक हो सकते हैं तो पत्रकार। ये बहन मुद्दे रहे, बहुत सारे मुद्दे ऐसे रहे कि जो अभी हम उजागर नहीं कर सकते, और लेकिन इतना अवश्य है कि आज नहीं, समय तो थोड़ा लगेगा, लेकिन 100% इंडियन फेडरेशन ऑफ वर्किंग जर्नलिस्ट सफल होगा और कानून बनवा के ही दम लेगा। श्री हरि स्वामी नारायण टूर एंड ट्रेवल्स, शादी हो या पार्टी, तीर्थ यात्रा हो या फिर फैमिली पिकनिक, हर दूरी को मिटाए, हर मंजिल तक आराम से पहुंचाए, लग्जरी कार, जीप, एसी, नॉन एसी, लग्जरी कोच, बस, मिनी बस, उत्तराखंड चार धाम यात्रा के अलावा और भी बहुत कुछ। आपके जाने पहचाने बंगाली शर्मा उर्फ लोटू की जानी पहचानी ट्रेवलिंग एजेंसी श्री हरि स्वामी नारायण टूर एंड ट्रेवल्स, स्वामी नारायण मंदिर के समीप कंपू घाट मथुरा। तो आज ही संपर्क करें प्रिया शर्मा, मोबाइल नंबर 8979340132। मैं स्वामी नारायण मंदिर का ड्राइवर था मैं पहले, और मंदिर से ही ये सब संतों का आशीर्वाद है, उन्हीं से मुझे प्रणाम।